नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पॉपुलर शो है। लगभग 14 साल से चले आ रहे इस सिटकॉम की टीआरपी हमेशा से ही हाई रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से शो से कई लोगों ने एग्जिट ले लिया। हाल ही में तारक मेहता सीरियल को डायरेक्टर कर रहे मालव राजना ने भी अलविदा कह दिया है। माना जा रहा है कि इससे शो की टीआरपी में बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात से शो का हिस्सा रही रीता रिपोर्टर यानी प्रिया आहूजा ने इस बात पर असहमति जताई। प्रिया डायरेक्टर मालव राजदा की पत्नी हैं, वो भी इस शो से काफी पहले एग्जिट ले चुकी हैं। तारक मेहता शो में मालव राजदा से पहले सैलेश लोढ़ा, दिशा वकानी, वाव्या गांधी, राज अनाकद जैसे कई बड़े नाम छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस की फेवरेट लिस्ट में आज भी शामिल है। हालांकि कई बार ऐसे सवाल उठे हैं कि अब शो में वो बात नहीं रही। जहां शो से इन फेमस एक्टर का जाना मेकर्स के लिए भी चिंता की बात रही है, वहीं फैंस को भी ये लगा है कि अब शो की टीआरपी पहले जैसी नहीं रहेगी। शो की गिरती टीआरपी पर मालव की एक्ट्रेस पत्नी प्रिया ने कहा है कि शो की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि ये सब देखने वालों के नजरिए के फर्क की वजह से हुआ है। प्रिया कहती है कि मुझे कभी ये टीआरपी के नंबर गेम समझ नहीं आए, लेकिन मैं नहीं मानती कि तारक मेहता सीरियल बंद होने की कगार पर है। शो की क्वालिटी के सपोर्ट में प्रिया ने कहा, टीआरपी ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि लोग आजकल टीवी सीरियल के अलावा बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। आजकल लोग एक तय समय पर टीवी पर शो देखने के बजाय ऐप्स पर जाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना पसंद करते हैं। हर कोई अपने काम से फ्री होकर अपने मन मुताबिक शो या फिल्में देखना पसंद करता है। दिशा वकानी के शो छोड़ने पर और उनके रिप्लेसमेंट पर प्रिया ने कहा, ये बात सही है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दर्शकों पर अलग ही छाप छोड़ते हैं, लोग उसे कैरेक्टर के डिवोटी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उससे ज़्यादा शो के लिए समर्पित हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।